ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ 8:30 बजे से, सुबह के 8:30 बजे से। जैसे कि पीछे आप देख रहे हैं राधा कृष्ण चल रहा है। और राधे राधे दोस्तों, हिंदी पहाड़ी ब्लॉग में मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तो रामनवमी की आपको बहुत बहुत सी शुभकामनाएं। और सब लोग आज अपने अपने घर में, जिन्होंने व्रत रखा हुआ है वो अपने घर में कन्या जिमाएंगी। तो आज तो चलिए किचन में चलते हैं और तैयारी करते हैं प्रसाद बनाने की। और क्योंकि आज हमें कहीं और भी जाना है, दूसरी जगह फंक्शन में, तो बहुत जल्दी जल्दी मुझे करना होगा। काले चने जो है वो कुकर में, जो कि झटपट बन जाएंगे। ऐसा नहीं है कि पहले उसे मैं सीटी मरवाऊंगी और फिर उसके बाद छौंकूंगी। तो देखो, ये अंदर से आवाज़ दे रही है कि काले चने बहुत ज़्यादा बनाना, इसे काले चने बहुत ज़्यादा पसंद है। ये हलवा कम खाती है और काले चने ज़्यादा खाती है। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और ब्लॉग के साथ बने रहिएगा। चलिए चलते हैं किचन में और तैयारी करते हैं प्रसाद बनाने की। दोस्तों यहाँ पे छोले में 4 से 5 सीटी आने के बाद, चलिए देखते हैं कि छोले कैसे बने हुए हैं। बहुत अच्छे तरीके से पक चुके हैं और एक बार आप ज़रूर बना के देखिए, बहुत जल्दी और झटपट तैयार हो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, प्रसाद में अब सूजी का हलवा और पूड़ियाँ भी बनानी रह गई हैं, तो वो भी मैं झटपट बना के तैयार कर देती हूँ। फाइनली दोस्तों, तो भोग की थाली भी तैयार हूँ अब लड़कियों को लेने के लिए। और देखिए, कुछ तो लड़कियाँ आंटी के यहाँ पे हैं और कुछ वो लाना पड़ेगा, तो चले चलते हैं। ये देखिए सबके सब आता है। इसके बाद मेरे यहाँ पे, हाँ ठीक है, सामने कहीं जगे दिन रात, तेरी जोत जगे दिन रात, दुनिया माने शक्ति तेरी, मैं खड़ा द्वारे पे पल पल करूं मैं विनती तेरी, हूँ मैं खड़ा द्वारे पे पल पल करूं मैं विनती तेरी। जिमा दिए हैं कन्याएं, बहुत लेट हो गया आज हमें, जबकि खाना हमने 10 बजे ही कंप्लीट कर दिया था, लेकिन कन्याओं को आते आते काफ़ी लेट हो गया। 11:30 हो चुके हैं और देखिए अब ये तो जिमने लग गई। और शायद मैं भी प्रसाद खा के और अब तैयार होती हूँ सगाई के लिए, मिलूंगी। तो चलिए दोस्तों, हम लोग तैयार हो गए हैं सगाई में जाने के लिए। मैं और दीदी पहुंच चुके हैं चिली रेस्टोरेंट पे, बहुत पता करते करते अब बच्चे स्कूटी में आ रहे हैं, तो चलो चलते हैं। शायद मुझे लग रहा है 2nd फ्लोर में जाना है हमें, तो चलते हैं। हाँ ये रहा, हाँ यही है।
रहे हैं, तो बच्चे तो स्कूटी से ही जाएंगे, जैसे स्कूटी से आए थे वैसे स्कूटी से जाएंगे। अब मैं और दीदी विक्रम से जाएंगे, तो अब मैं सीधा आपको घर पे मिलती हूँ और तब मिलते हैं, तब बात करते हैं, ठीक है। चलो बाय। ये लोग चले गए। दीदी और मैं आप जाएंगे पैदल पैदल। हम लोग 4:30 बजे पहुंच गए थे, बच्चे जल्दी आ गए थे, लेकिन हमें ना विक्रम नहीं मिला, दीदी और मुझे विक्रम नहीं मिला, तो हमें काफ़ी लेट हो गया आने में। हम लोग 4:30 बजे घर पहुंचे और धूप की वजह से बहुत थकान सी भी लग गई थी और वीडियो नहीं बना पाई, बैटरी नहीं थी फ़ोन पे, और आके हम लोग सो गए थे। और अभी हम लोग 6 बजे उठ रहे हैं, 6:15 हो गई हैं, मैं उठ गई हूँ, अभी उठ रही हूँ, उठने के बाद सीधा चाय। तो दोस्तों मैं आज व्लॉग का इंड यहीं पर ही करती हूँ, और अगर व्लॉग आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलूँगी अपने अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।